लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल टमाटर, लाल सिलेंडर और अब लाल डायरी। राजस्थान की सियासी गलियारों में सब कुछ लाल लाल दिख रहा है। 2023 के चुनाव में जनता किसको लाल झंडी दिखाएगी और किसका डब्बा गोल करेगी, इसका खुलासा तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति पर क्या एनालिसिस है, क्या तस्वीर है, ये हम आपको लगातार हर हफ्ते बताते रहते हैं। लाल डायरी से राजस्थान में जो सियासी तूफान उठा है वो कब थमेगा या नहीं थमेगा, ये तो आने वाला वक्त और सियासी करवट बताएगी। लेकिन फिलहाल आज राजनीति में हम चर्चा करेंगे धौलपुर की। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और राजनीति में आपका स्वागत है। अपने अतीत को छुपाने के लिए कई लोग नाम बदल लेते हैं, तो सियासत में अपने अतीत को छिपाने के लिए नेता पार्टी बदल लेते हैं। 2023 के लिए राजनीतिक ऊटापटक जारी है, जीत के लिए भी चौसर बिछ गई है, लेकिन नेताओं के लिए जनता ही भाग्य विधाता होती है और ये भूलना नहीं चाहिए नेताओं को। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में जनता ही सबसे बड़ा सहारा है। 2023 का सियासी संग्राम दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के रण में मोदी हो या फिर गहलोत, दोनों ने जीत का प्रण ले लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बागी, बजरी और बंदूक, इन तीनों के लिए कुख्यात धौलपुर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। सियासत का केंद्र बिंदु माना जाता है और धौलपुर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका भी रखता है। राजनीति में धौलपुर से बड़े राजनेताओं का नाम जुड़ा है और धौलपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत चुनाव भी लड़ चुके हैं और वसुंधरा राजे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बागियों के कारण भी धौलपुर मशहूर रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान की सियासत में अगर किसी धाकड़ दिग्गज महिला नेत्री का नाम आए तो उस लिस्ट में निसंदेह वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर शामिल है। हाड़ौती में वसुंधरा राजे का सियासी घर उसको माना जाता है, लेकिन धौलपुर उनका अपना घर। वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा था। राजनीतिक करियर का पहला चुनाव मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा चुनाव से 1984 में लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर होने के चलते वो चुनाव हार गई थी। और इसके बाद राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत उनको लेकर राजस्थान में आए और जब 8वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे धौलपुर से चुनी गई। 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। भैरव सिंह शेखावत को छोड़ दें अगर तो राजे ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास भाजपा की ओर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है। राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जननेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय हैं। धौलपुर पहले बयाना लोकसभा क्षेत्र में शामिल था। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने 1980 और 1984 में लाला राम ने कांग्रेस को जीत दिलाई और 1989 में बीजेपी के थान सिंह जाटव, 1991 से 1998 तक गंगाराम कोली और 1999 में बहादुर सिंह कोली और 2004 में बीजेपी के राम स्वरूप कोली ने जीत हासिल की। 2008 में परिसीमन के दौरान करौली धौलपुर को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया और 2009 में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा को जीत नसीब हुई थी और 2014 से लगातार बीजेपी मनोज राजौरिया बीजेपी से सांसद रहे और एक बार फिर से 2024 के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बेहद सरल और बेहद निर्मल व्यक्ति, जो बहुत ही लोकसभा में हम गए जब उनके इलाके में तो सबने एक बात कॉमन कही कि बहुत ही सरल हैं और बहुत ही मीठा बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम सांसद मनोज राजौरिया की बात और उनके इलाके की बात करते हैं तो 2014 हो या फिर 2019, दोनों चुनाव में मनोज राजौरिया ने जीत हासिल की। लोगों का मानना है कि एक तो मोदी लहर थी और मनोज राजौरिया का सरल स्वभाव इसकी वजह है। हालांकि राजौरिया ने अपने इलाके में विकास कार्य करवाए हैं और विकास कार्यों के दम पर ही तीसरी बार भी चुनावी मैदान में उतरने का दावा करते हैं।
विकास कार्यों में सबसे अहम जिसकी चर्चा हमें जमीन पर मिली वो ये था कि धौलपुर और सर मथुरा के बीच नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलवाने का काम, जिससे लोगों की जीवन थोड़ा आसान हुआ। वो रेल लाइन एक बहुत बड़ा काम के लिहाज से, उपलब्धि के लिहाज से इस इलाके के लोग देखते हैं। इस काम से धौलपुर का संपर्क सीधे रेल मार्ग से राजस्थान से जुड़ गया है। और इसकी अलावा दूसरी बड़ी उपलब्धि की बात करें तो 2 मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी है। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजौरिया ने इलाके की जनता को पानी भी मुहैया कराया है। धौलपुर के लोगों को चंबल लिफ्ट परियोजना के जरिए सिंचाई का पानी देने का काम भी किया गया है, वो भी अहम भूमिका उनकी मानी जा रही है उसमें। और इसके अलावा जल्द ही एक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। 6 लेन एक्सप्रेसवे धौलपुर से गुजरेगा। जिले में होटल मैनेजमेंट और नर्सिंग कॉलेज की भी सौगात दी। करौली जिले की लंबित रेल लाइन की मांग भी सदन में उठाई और जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। अभी हाल ही में सांसद मनोज राजौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जमकर, और उसकी चर्चा भी जमीन पर दिखी, जिसमें राजौरिया ये कह रहे थे कि राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती। सांसद मनोज राजौरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। सांसद मनोज राजौरिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं और धौलपुर में वसुंधरा का इम्पैक्ट भी काफी है। राजौरिया भले आदमी हैं और लोगों से मीठा बोलते हैं और कम भी बोलते हैं। ये विरोधियों का मानना था कि कम बोलते हैं इसलिए सेफ रहते हैं। पूर्वी राजस्थान में ERCP का मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा और जो मनोज राजौरिया की चिंता का विषय भी है। उनके जो साथ के लोग हैं उन्होंने बताया कि ERCP का मुद्दा मनोज राजौरिया के लिए भी एक चिंता का विषय है और इससे धौलपुर भी अछूता नहीं है। लबोलुभाव ये है कि इस बार ERCP इस इलाके में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उसे कैसे बैलेंस किया जाएगा और उसमें वसुंधरा राजे कितनी मदद मनोज राजौरिया की करती हैं, उनका कितना इम्पैक्ट रहता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाकी जो इस जिले में 4 सीट हैं उस पर वहाँ के लोग ये मानते हैं कि मनोज राजौरिया बहुत भले व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वोट मूव करने का इंपैक्ट नजर नहीं।